नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पलक प्रकाश। खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ, जो एंटीलग केस से जुड़ी हुई है। एंटीलग केस सुलझाने के लिए एनआईए ने जांच तेज कर दी है। सचिन वजे के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, विस्फोटक मिली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की कि जो एंटीलग केस में एनआईए ने जांच तेज कर दी, सचिन वजे के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और वही कुर्ता पहनाकर उस क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएट किया गया। विस्फोटक मिली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो आपको बता दें एंटीलग केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर सीन को सुलझाने के लिए एनआईए ने जांच अब तेज कर दी है और इसी के सिलसिले में सचिन वजे के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और सचिन वजे को वही लंबा कुर्ता पहनाकर उसी जगह पर चलवाया गया और विस्फोटक मिली जगह पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं एंटीलग केस से जुड़ी हुई, जहां पर अब जांच में तेजी लाने के लिए एनआईए ने अब शुरू कर दिया है, जिसको लेकर क्राइम सीन पर रिक्रिएट किया गया और सचिन वजे को वहां पर ले जाया गया, लंबा कुर्ता पहनाकर उसी जगह पर चलवाया गया और इसी के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। एंटीलग केस के मास्टरमाइंड माने जा रहे मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को एनआईए की टीम ने शुक्रवार देर शाम को क्राइम सीन यानी एंटीलग के बाहर ले गई। इस दौरान स्कॉर्पियो खड़ी करने के सीन का रिक्रिएशन किया गया। एनआईए की टीम ने सचिन वजे को सफेद कुर्ता पहनाकर चलवाया। जगह मुंबई, तारीख 19 मार्च 2021, वक्त रात के 10:30 बजे। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सायरन बजाती हुई एक के बाद एक फॉरेंसिक टीम और एनआईए की गाड़ियां यहां आती है। फिर अचानक यहां पर सरगर्मियां तेज हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सफेद रंग के कुर्ते में एक शख्स नजर आता है जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस शख्स ने सिर पर रुमाल बांधा हुआ है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि एंटीलग केस का आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वजे है, जिसे लेकर एनआईए ने शुक्रवार देर रात तक कार में विस्फोटक मिलने वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। उनका मूवमेंट जो है वो ट्रैक किया जा रहा है और साथ ही साथ जो उन्होंने कुर्ता पहना था वो कुर्ता भी उनको पहनाया गया है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, एनआईए अपने तरीके से जब तक पूरी संतुष्ट नहीं हो रही है तब तक सचिन वजे को जो है वो चलाया जा रहा है। उनके हर मूवमेंट को, उनके चलने के ढंग को ट्रैक किया जा रहा है। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में जो है एनआईए और भी कुछ इस पूरे मामले में तथ्य निकाल के सामने आएगी। सचिन वजे को लंबा कुर्ता पहनाकर उसी जगह पर ले जाया गया जहां पर विस्फोटक से लदी कार बरामद हुई थी। कार में मिले विस्फोटक वाले केस में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पीपीई किट पहने दिखाई दिया था। एनआईए को संदेह है कि वो व्यक्ति सचिन वजे हो सकता है। एनआईए ने सचिन वजे को सफेद कुर्ता पहनाकर चलवाया ताकि पीपीई किट जैसे कपड़े पहनकर दिखे व्यक्ति की चाल और सचिन वजे की चाल को मिलाया जा सके। एनआईए क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा कार भी लेकर आई थी। आसपास के इलाके की बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी और आम लोगों को यहां आने जाने से रोक दिया गया। इस दौरान फॉरेंसिक लैब की टीम भी मौजूद रही। इससे पहले इस मामले में एनआईए की एक टीम कल मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंची। परमबीर सिंह की जगह नए पुलिस कमिश्नर का जिम्मा संभालने वाले हेमंत नगराले से मुलाकात की। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने पहली बार कहा कि संदिग्ध स्कॉर्पियो के मालिक हिरेन मनसुख की हत्या हुई थी। मुकेश जी अंबानी इनके घर के सामने में जो एक्सप्लोजिव पाए गए थे और दूसरा जो मनसुख हिरेन, इसकी जो हत्या हुई थी, ये दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है। पुणे से मुंबई पहुंची एफएसएल की टीम ने एनआईए के दफ्तर में जाकर सचिन वजे की कार की जांच की। एफएसएल की टीम ने उस कुर्ते की जली हुई राख का सैंपल लिया जो वजे ने जला दिया था। राख के नमूने को जाँच के लिए एनआईए हैदराबाद की एक लैब में भेजने वाली है। वहीं आरोपी सचिन वजे की सीडीआर से बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए और एटीएस की समानांतर जांच के दौरान सचिन वजे मनसुख हिरेन के संपर्क में था।
मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले यानी 3 और 4 मार्च को सचिन वझे और मनसुख हिरेन के बीच संपर्क होने की बात भी सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगी है। शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में ये आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो आपको बड़ी खबर बताते हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है। शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में आग लगी है और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन का कोच धू-धू कर जल उठा। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी में कितने लोग झुलसे हैं, कितने लोग घायल, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में आग लग गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार दमकल कर्मियों के द्वारा की जा रही है।